हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी धूप सुबह से निकली है और लगभग 4 बज रहे हैं और अभी तक अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी खासी धूप निकली है तेज़। जितनी कुछ ना कुछ तो इसको फ़ायदा हो ही गया एडेनियम को हमारे, क्योंकि इसकी सॉइल जो थी बहुत ठंडी हो रही थी तो उनको कुछ गर्मी मिल गई थोड़ी सी। तो इस बेस पे मैंने सारे एडेनियम अंदर से निकाल के शेड से और सब हमने यहाँ अपने रख दिए हैं धूप में। तो सारा दिन आज इनको हमने धूप में खूब अच्छी तरीके से सेक लिया है। तो अब इसके अंदर थोड़ी गर्मी पैदा हो गई है क्योंकि धूप इनको अच्छी खासी लग गई है। आज सारा दिन ये धूप में रहे हैं क्योंकि नमी से भी ये इसके रूट जो है वो गलने लगते हैं। तो जो नमी होती है, ये हवा के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो उसकी बेस पे अगर ओस में रखे हों तो कुछ हवा की नमी होती है कुछ ओस से, तो ये इसके रूट जो है नीचे से गलने लगते हैं और इनकी ब्रांचें भी ऊपर से गलने लगती हैं, क्योंकि ये जब इन पे ओस पड़ती है तो इनकी सारी ये ब्रांचें जो हैं ये ऊपर से गलने लगती हैं और फिर ये नीचे होती हुई ये स्टम तक पहुँच जाती हैं। और अगर पानी डाल दिया तो पानी भी बहुत इनको जो है नुकसान देता है, फौरन रूट जो है वो गलना शुरू कर देंगी। ये गर्म इलाके का पौधा है, इसको बहुत ही गर्मी चाहिए होती है। जितनी अच्छी गर्मी पड़ेगी उतना ही अच्छा ये सर्वाइव करता है और उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है, क्योंकि इसको सुबह से लेके और शाम तक की पूरी 8 घंटे की अगर इसमें धूप लगती है तो ये बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता है। बस समझ लीजिए कि 20-25 रोज़ की बात और रह गई है, बस जनवरी के महीने में ही ये ज़्यादातर ख़राब होते हैं एडेनियम, क्योंकि इस जनवरी में कंटिन्यू इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि उसकी वजह से ये हमारे एडेनियम जो है वो ख़राब हो जाते हैं और इनके रूट वगैरह गलने लगते हैं। और वो जो लोग पानी डाल देते हैं तो फिर वो एडेनियम तो बचता ही नहीं है, जिसमें अगर किसी ने पानी डाल दिया इसमें ज़रा भी, या धोखे से पड़ गया, या बारिश पड़ गई, या ओस ज़्यादा पड़ गई, तो उससे भी ये एडेनियम बहुत ज़्यादा जनवरी के महीने में ख़राब होते हैं। और जनवरी के बाद में जैसे जनवरी ख़त्म हो और फरवरी शुरू हो आपकी, तो फिर इसके अंदर आप जैसे कि टेम्परेचर लगभग 20-22 टेम्परेचर हो जाना चाहिए इसके लिए, और 20-22 टेम्परेचर में जाके आप इसके अंदर पानी भी दीजिए, और पानी क्या बल्कि फंगिसाइड मिला के पानी में और थोड़ा सा NPK 0-52-34 अगर आपके पास हो तो वो डाल दें, और नहीं तो 90-90-90 भी डाल सकते हैं, और DAP के 4-6 दाने हर एडेनियम को आप दे दें उस पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पर रूट जो है वो चलने लगते हैं और आपके लीव्स भी निकलने लगते हैं, नए नए फुटाव शुरू हो जाते हैं एडेनियम में और एडेनियम ग्रोथ लेने लगता है। फरवरी का महीना स्टार्ट होते ही 20-22 डिग्री के बाद में आपका एडेनियम में फुटाव शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आपका एडेनियम जो है ग्रोथ पकड़ लेगा। तो उस पीरियड में आप अच्छी तरीके से खाद दे के और इसको तैयार कर दें, और इसकी जिन लोगों ने ट्रूनिंग नहीं करी है तो फरवरी के महीने में कर लें, और जिन लोगों ने रिपोर्टिंग भी नहीं करी है तो वो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पुराने एडेनियम हैं वो आप उनको निकाल कर और लटका भी सकते हैं, क्योंकि अभी अगर उसका बचाव करना जिससे कि इतना पुराना एडेनियम आपके पास है तो आप उसको गमले से निकाल कर और लटका दें हवा में, और जब इसको गमले से निकालें तो इसकी रूट जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, और साफ़ करके उनके ऊपर फंगिसाइड लगा दें या दालचीनी पाउडर वगैरह लगा दें, तो उसको लगा के और आप कहीं शेड के अंदर इसको लटका दें, और जब ये मुश्किल से 20-25 दिन अभी होंगे जिस रिपोर्टिंग के, तो उतने दिन तक ये लटका रहे तो कोई इसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 1-2 महीने तक ये एडेनियम निकाल के लोग रख देते हैं और उनके फिर वो लगाते हैं फरवरी के अंदर तो सर्वाइव कर जाते हैं, और फिर उनके जो है फ्लावरिंग भी अच्छी आती है और एडेनियम भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और जिन लोगों ने दिसंबर नवंबर में प्रूनिंग वगैरह करी है तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने थोड़ी सी सॉइल निकाल के और उसमें जो है खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद में आप बोन मील मिला लें और नीम की खली मिला लें, और जो भी खाद आप देना चाहते हैं वो गोबर की खाद मिला के और इसकी 3-4 इंच की मिट्टी निकाल के इस तरीके से 3-4 इंच की मिट्टी यहाँ से इतनी खाली कर लें और उसके अंदर भर के और फिर ऊपर से जो सॉइल डाल के और आप पानी दे दें। इस तरीके से स्टार्टिंग में आप फरवरी के महीने में आपको करना पड़ेगा और फिर फौरन एकदम एडेनियम आपका ग्रोथ ले लेगा, क्योंकि हमारे एडेनियम में तो ज़्यादा डोरमेंसी का कोई हिसाब बना नहीं, क्योंकि हमने जो बीच बीच में कई मरतबा इसको सरसों की खली
डाल दी थी सरसों की खली से, इसकी सॉइल को काफ़ी हीट मिल जाती है, उसकी बेस पे एडेनियम जो है वो डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम पहले प्रूनिंग कर देते हैं तो इस ये बिल्कुल डोरमेंसी में नहीं जाता है, इसका नया फुटाव निकल जाता है तो ये नया ग्रोथ भी करता रहता है, ये डोरमेंसी में जाता ही नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये सारे एडेनियम हमारे जो है कोई डोरमेंसी में नहीं गए हैं और सब अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। तो और ये बेबी एडेनियम देखिए आप, इसने भी इसके भी लीव, अगर हम इसको कई बार खली दे देता तो ये इसका एक भी लीव्स नहीं गिरता, लेकिन फिर भी हमने देर से खली दी इसको, लेकिन फिर भी इसके लीव सारे थे रुक गए और पत्ते नहीं निकाले इसने। और जो हमने प्रून कर दिए हैं ये देखिए, तो उनके लिए हम थोड़ी सेफ्टी रखते हैं कि ना तो इसमें हम पानी देते हैं, और जब ओस वगैरह पड़ती है या पानी का डर लगता है तो हम इनको उठा के शेड के अंदर रख देते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि इस पीरियड में एडेनियम को पानी बिल्कुल ना दें, जनवरी लगते ही एडेनियम को पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता है जब तक अच्छी खासी गर्मी ना पड़ने लगे, खूब धूप में तेज़ी आ जाए तब आप इसको पानी दे सकते हैं, और उस बीच में आप इसको बिल्कुल पानी ना दें। और अगर आपके पास पुराने एडेनियम हैं तो उनको निकाल के और शेड के अंदर लटका भी सकते हैं, लेकिन उसकी सफाई अच्छी तरीके से करके और उसके रूट के अंदर फंगिसाइड ज़रूर डाल लें। तो इस पीरियड में अब जो भी है 20-25 दिन रह गए हैं बस, 20-25 दिन में अच्छा खासा टेम्परेचर में तेज़ी आ जाएगी और वो बढ़ जाएगा, कम से कम 35 मिनट दिन बड़ा होने लगेगा तो उसकी बेस पे टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ेगा, तो अगर धूप निकलेगी तो जो है वो उसमें तेज़ी होगी, तो उस पीरियड में आप हल्का फुल्का पानी इसमें फंगिसाइड मिला के और इनको दे सकते हैं। और इस पीरियड में बिल्कुल पानी ना दें जब तक मौसम ऐसा रहे कि धूप नहीं निकल रही है और पाला गिर रहा है या ओस गिर रही है या बारिश के इम्कान देखें, तो आप फौरन एडेनियम को उठा के और अपने शेड के अंदर रख दें। और जो लोग जैसे कि फरवरी में अगर प्रूनिंग करना चाह रहे हैं, जिनके एडेनियम प्रून नहीं हुए हैं और वो फरवरी में प्रूनिंग करना चाह रहे हैं, तो प्रूनिंग करने के बाद में उनके वो कटे हुए हिस्से पर अच्छे तरीके से फंगिसाइड लगा दें और उसके अंदर आप जो फर्टिलाइज़र देंगे तो वो ह्यूमिक एसिड का घोल बनाकर और वो दें, तो वो ज़्यादा बेहतर फुटाव जब आप प्रूनिंग करेंगे तो ह्यूमिक एसिड से फुटाव ज़्यादा तादाद में होता है, यानी एक ब्रांच पर से 3-4 कल्ले निकलेंगे, यानी 3-4 ब्रांचें एक ही ब्रांच में से निकलेंगी, तो पौधा बहुत बुशी हो जाता है। ह्यूमिक एसिड का काम जो है वो रूट को डेवलप करता है और प्लस उसकी ब्रांचें ज़्यादा घनी करता है। ये देखिए मैंने इसके अंदर प्रूनिंग करने के बाद में और ये मैंने प्रून करा था तो ये सारी ब्रांचें कैसी भर भर के इसमें ब्रांचें आई हैं, 3-3, 4-4 ब्रांचें एक एक में से निकली हैं, तो इस तरीके से घना कर देता है ह्यूमिक एसिड। तो पहली अगर आप फर्टिलाइजर दें तो ह्यूमिक एसिड दें, और DAP भी दे सकते हैं, जिनके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है वो DAP दे दें प्रूनिंग करने के बाद में, तो वो भी बहुत ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि उस टाइम पे रूट बहुत तेज़ी से चलते हैं और एडेनियम फौरन जो है फुटाव लेके और वर्ड्स भी निकालने लगता है, और क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम होता है उस टाइम पे, तो फ्लावरिंग के लिए ये सब खादें उस टाइम पे देनी पड़ती हैं ताकि जल्दी इस पौधा सर्वाइव हो और हमारे फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।